हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रज्ञान गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रिजटेक। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम के बारे में। तो एमपी पुलिस एग्जाम में बहुत सारे मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं जो हमने कलेक्ट किए हैं पिछले ओल्ड पेपर से, ठीक, और कुछ जो कि संभवतः इस एग्जाम में भी फंस सकते हैं। तो यदि आप भी एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी नहीं करते लेकिन जीके पढ़ना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस जानना चाहते हैं इतिहास के बारे में जो एमपी पुलिस एग्जाम में आते हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि कैसे हम तैयारी कर सकते हैं एमपी पुलिस की, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होता है बोध गया, ठीक। फिर दूसरा होता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी। तो इसका आंसर क्या होगा? गुरुमुखी। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो है आंसर में कन्याकुमारी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसके आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है, तो आंसर होगा मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आंसर होगा असम। तो अठवा क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले के प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवला, आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो होगा आंसर विलियम बेंटिक। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। चीन एक देश है जहां पे कागज का आविष्कार हुआ, जहां पे पहली बार खोजा गया कि कागज कहां कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं, आपको हमने 10 क्वेश्चंस बताए, तो एक ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। हमने आपको पिछले 10 क्वेश्चंस का आंसर सहित बताया, लेकिन ये 11वां क्वेश्चन एक ऐसा है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो डेली अपडेटिंग मिलती रहे, जिसके लिए आप एमपी पुलिस की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक्स, जय।